गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक रेस्पिरेटरी डिजीज में एम्फिसेमा, जो कि एक लंग्स डिजीज है। एम्फिसेमा रिजल्ट फ्रॉम द डिस्टेंस एंड रैप्चर ऑफ द एल्वोलाई ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लंग टिश्यू विद रिजल्टिंग एयर ट्रैपिंग। यानी एम्फिसेमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो एल्वोलाई है उसमें क्या होता है, लंग टिश्यू में इलास्टिसिटी की कमी के कारण डिस्टेंशन हो जाता है, रैप्चर हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एम्फिसेमा। नेक्स्ट है एम्फिसेमा डेफिनेशन। एबनॉर्मल परमानेंट एलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस डस्टेड टू द टर्मिनल ब्रोंकाई एकोम्पेनड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल्स एंड विदाउट ऑब्सेस फाइब्रोसिस स्पेसेस इन पेरेन्काइमा 1 mm बराबर एबनॉर्मल, यानी असामान्य। एम्फिसेमा एम्फिसेमा कॉज डायलेशन ऑफ द एयर स्पेसेस बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलर वॉल लीडिंग द कोलस ऑफ एल्वोलाइड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एम्फिसेमा या ओवर इन्फ्लेशन। एम्फिसेमा इंक्रीज एयर स्पेस विद डिस्ट्रक्शन और ओवर इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज एयर स्पेस विदाउट डिस्ट्रक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सरे चेस्ट पोस्टीरियर पीवी लेटरल चेस्ट रेडियोग्राफर इन पेशेंट विद सीवियर क्रॉनिक COPD हाइपर इन्फ्लेशन डिप्रेस डायफ्राम इंक्रीज रिट्रोस्टर्नल स्पेस एंड हाइपो वैस्कुलरिटी ऑफ लंग पेरेन्काइमा इज डेमोस्ट्रेट। ए लंग विद एम्फिसेमा सो इंक्रीज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज रिट्रोस्टर्नल एयर स्पेस एंड फ्लैंट डायफ्राम ऑन लेटरल चेस्ट रेडियोग्राफ। सीवियर ब्लूस डिजीज ऑब्जर्व ऑन सीटी स्कैन इन द पेशेंट विद COPD। क्लासिफिकेशन ऑफ द एम्फिसेमा। फर्स्ट इज सेंट्रियसिनर एनासिनर पैरासेप्टल यानी डायस्टेनेसिनर मिक्सड एंड अनकलेसिबल इरेगुलर। आरबी एसिनस यानी नॉर्मल एसिनस क्या होता है, ये शरीर में एसिनस जो एक कोशिकाओं का समूह होता है यानी गोल समूह होता है जो कि कोशिकाओं के एक हद तक एक बेरी बेरी के समान में स्ट्रेच के लाइक दिखाई देती है। एसिनस जो शब्द होता है वह लेटिन शब्द बेरी से, इसका मतलब होता है एशिनी, जिसका बहुवचन यानी एशिनी है, जो कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनकी ओर से जो पेनक्रियाज में भी ये एसिनी उपकला कोशिकाओं के साथ में एक गुच्छे के रूप में होते हैं, इसको एसिनी कहते हैं। इसमें जो नॉर्मल कंडीशन होती है एल्वोलाई की RB1, RB2, RB3 एंड AD। देन टाइप्स ऑफ सेंट्रिकुलर एम्फिसेमा जो कंडीशंस होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई पेसिनर एम्फिसेमा जो कंडीशंस होती है नॉर्मल एसिनस में जो कंडीशंस ऊपर की तरफ है और कंडीशन यानी एम्फिसेमा कंडीशन के अंदर जो एल्वोलाई कंडीशन या रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई कंडीशन है। फर्स्ट है सेंट्रोलोबुलर कंडीशंस पेनोलोबुलर पैरासेप्टल एंड इरेगुलर। सेंट्रल एंसल या सेंट्रलोबर प्रोक्सिमल एसिनर डायलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकोइल अपर लॉब्स सीवेटिन वॉल्ड कैन एक्ट विद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इनवेरेबिलिटी अकर्स इन स्मोक कोल टाइम वर्कर्स जो कार्बन डस्ट में काम करते हैं। सेंट्रल एंसल जो कंडीशन होती है लंग्स की इस टाइप की होती है पेसिनार एम्फिसेमा वॉल ऑफ एसिनस अनफर्मिटी अफेक्टेड लोअर लॉब सीवियरिटी इन्वॉल्व एसोसिएटेड A180 डेफिशिएंसी यानी अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो डेफिशिएंसी सिगरेट स्मोक के कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। डायग्राम सी इन द कंडीशंस पेसिनार पेनासिनार पैरासेप्टल यानी डायस्टेनेसिनार लोकलाइज अलोंग पिलुरा पिलुपल पेरिफेरल पार्ट ऑफ द एसिनस रेडिपोज ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स एडजेसेंट ऑफ फोसी एंड फाइब्रोसिस लीस्ट कॉमन मिक्स इरेगुलर एम्फिसेमा मोस्ट कॉमन लीस्ट सिग्निफिकेंट कॉमन अराउंड स्कार टिश्यू कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप्स सेंट्रिकुलर ऑफ पैरासेप्टल माइक्रोस्कोपी एम्फिसेमा एम्फिसेमा माइक्रोस्कोपी पैथोजेनेसिस ऑफ एम्फिसेमा प्रोटीज एंड एंटी प्रोटीज थ्योरी AAT A1MG ऑक्सीडेंट एंटी ऑक्सीडेंट इम्बेलेंस SOD ग्लूटाथियोन सिगरेट स्मोकिंग के कारण जो कंडीशन डेवलप होती है इनहेलेशन ऑफ द पार्टिकुलर्स वेपर
एलवर माइक्रोफोन माइक्रोफेग एंड पीएमएनएस फेगोसाइटिस टार पार्टिकल्स। दिस कंडीशंस ऑफ द एम्फिसेमा O2 H2O2 सिगरेट स्मोक दैट फेगोसाइटोसिस डेवलप प्रोटीज कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स क्रिमिनल्स जो डेवलप होते हैं सीरीज इलास्टिसिस देन कंडीशन एल्वोरो वॉल पे और इलास्टिक टिश्यू के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जिसके कारण से अनकंट्रोल प्रोटोसाइट्स टेक्सन से होता है इलास्टिक टिश्यू और कंडीशन एम्फिसेमा। टेबेको में निकोटिन से जो कंडीशन से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस फ्री रेडिकल्स इन एक्टिवेशन ऑफ द एंटी स्पोटिस एंड लंग्स देन न्यूट्रोफिल्स इलास्टिस कॉन्जिनेटल अल्फा एटी डिफिशेंसी जिसके कारण से अल्फा एटी कंडीशन की कमी आती है। टिश्यू डैमेज इंक्रीज द माइक्रोबियल इलास्टिक एंड मेटाबोलिक कंडीशन डेवलप विद एम्फिसेमा। अल्फा वन एंटीजन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी 52 kDa सीरम ग्लूकोप्रोटीन सिंथेसिस होता है लीवर माइक्रोबियल से द्वारा इनहिबिट ट्रिप्सिन थ्रोम्बिन प्लास्मिन इलास्टेज क्रोमोजोम 14 यानी 75 एलिजेस नॉर्मल एलिजेस MM 90% डेफिशेंसी ZZ। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एम्फिसेमा डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक फाइबर्स लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल लंग्स एक्सप्रेशन ऑफ नैरोइंग ऑफ स्मॉल एयरवेज एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलर सेप्टा रिड्यूस सरफेस एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज हाइपोक्सिया। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सबसे पहले एक्सप्लेन नॉर्डिंग ऑफ द ब्रोंकाइल देन कंडीशन एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन देन अंडर वेंटिलेशन मिसप्लेस बिटवीन वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन कैन लीड टू क्रॉनिक कोर पल्मोनरी। इटियोलॉजी ऑफ एम्फिसेमा सिगरेट स्मोकिंग 20-45% स्मोकर एयर पॉपुलेशन अल्फा एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इनहेरिटेड डिजीज क्यूटिस लेक्सा मार्फन सिंड्रोम मंकी सिंड्रोम्स। क्यूटिस लेक्सा पहला डिजीज डायग्राम मार्फन सिंड्रोम्स कंडीशंस एलन-डेलनोस सिंड्रोम्स मंकी सिंड्रोम्स द टाइप्स ऑफ एम्फिसेमा अदर टाइप्स कंपनसेटरी एम्फिसेमा सेनाइल एम्फिसेमा ऑब्स्ट्रक्शन ओवुलेशन विलुस एम्फिसेमा इंटरस्टिशियल एम्फिसेमा ट्रॉमा द चेस्ट वॉल सीवियर कफ। तो कंपनसेटरी जो एम्फिसेमा होता है उस कंडीशन में क्या होता है जो डेवलप होती है नॉर्मल लंग टिश्यू एक्सप्लेन द फील ऑफ द एरियाज ऑफ कोलैप्स ऑफ लंग सेगमेंट जैसे कि निमोनिया कंडीशन है या एम्फिसेमा है या एटीलेक्सिस कंडीशन है न्यूमोथोरिक्स है। सेकेंड सलाइन एम्फिसेमा है। थर्ड है ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्लुशन यानी ये कंडीशन जो डेवलप होती है इसमें क्या होता है जो पेरिटल ऑब्लुशन है वो ब्रोंकस है या ब्रोंकोइल इन केस ऑफ जो एटीलेक्सिस ब्रोंकियल अस्थमा जो पेरिटल ऑब्लुशन हो जाता है वो ब्रोंकस का या ब्रोंकोइल इन केस ऑफ जैसे अब है कॉज ऑफ एम्फिसेमा। एम्फिसेमा कैन बी कॉज बाय इरिटेंट यू ब्रीथ ऑक्यूपेशन एक्सपोजर ऑफ केमिकल इरिटेंट एक्सपोजर ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूएंट्स सर्टेन फॉर्म कोल एंड डस्ट इरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ अल्फा एंड एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एंड द मोस्ट ऑफ लाइकली कॉज ऑफ हिज स्मोकिंग। साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज द मेन सिम्टम ऑफ एम्फिसेमा वीजिंग साइनोसिस सेट बाय ब्लू ऑफ ग्रे लिप्स ऑफ फिंगर नेल्स हाइपर इन्फ्लेशंस ब्रेल सेफ चेस्ट कंसिस्टेंट कफिंग ऑफ नीड टू क्लियर ऑफ थ्रोट डिफिकल्टी कंस्टेटिंग अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन निमोनिया कोलैप्स लंग्स हार्ट प्रॉब्लम्स डेथ। डायग्नोसिस ऑफ एम्फिसेमा डायग्नोसिस कैन बी मेड बाय परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन सिम्टम मैनिफेस्टेशन इंक्लूड डिक्रीज ब्रीथ साउंड स्टेथोस्कोप राउंड फिंगर ट्यूब्स क्लंपिंग पर्स लिप ब्रीथिंग हाइपोक्सीमिया हाइपरकार्बिया हाई लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। डायग्नोसिस ऑफ एम्फिसेमा साइनोसिस इंक्रीज चेस्ट साइज इन बैरल चेस्ट माल न्यूट्रिशन मसल स्लोली वेस्ट एवे द इनवर्स एम्फिसेमा। डायग्नोसिस ऑफ एम्फिसेमा डॉक्टर कैन बी यूज वेरियस मेडिकल इमेजिंग टेक्निक चेस्ट एक्सरे सम ऑफ द एम्फिसेमा मे बी शो एब्नॉर्मली लार्ज लंग्स सीटी स्कैन्स। एम्फिसेमा डायग्नोसिस एम्फिसेमा इंक्लूड पल्मोनरी चेस्ट APFT ए सिंपल टेस्ट ऑफ मेजर ऑफ एयरवे कंप्लीट ब्लड काउंट CBC। ट्रीटमेंट ऑफ एम्फिसेमा टेस्टिंग ट्रीटिंग एम्फिसेमा कोकस ऑफ इन्वॉल्व सिम्टम स्मोकिंग मेडिकेशन यूजली प्रेशर वाइडली एयरवे
ब्रोंकोडायलेटर्स जैसे कि डायरफाइल्स हैं एंड सालबुटामोल्स एंड द रिड्यूस स्वेलिंग द एयरवे एंटीफिलामेंट ड्रग्स सच एज स्टेरॉइड्स जैसे कि डेक्सामेथासोन है, एटोकोर्टिसोल्स है, एंटीबायोटिक्स जैसे कि साइक्लोडोक्सिन, सेफ्रोजोन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेमा ऑक्सीजन थेरेपी, लंग एवोल्यूटरी रिडक्शन सर्जरी, रिमूवल ऑफ द एरियस डिमेज, पुलमोनरी रिहैबिलिटेशन, लंग ट्रांसप्लांटेशन, दिस इज द मोस्ट बेस्ट एम्फिसेमा ट्रीटमेंट और वी ऑफ एम्फिसेमा एम्फिसेमा इज कंडीशन दी इन्वॉल्व डैमेज टू द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई द लंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी क्लोजिंग ऑफ शॉर्ट ऑफ ब्रीथ द डैमेज वॉल्स ऑफ कॉज ऑफ एल्वोलाई कॉन्टिन्यूसली फिल अप द एयर विद द ब्लू इज द सैक्स एक्सपेंशन द एल्वोलाई वॉल्स मे बी डाउ डैमेज ऑफ द फोर स्कार डायग्नोसिस एम्फिसेमा यूजली रिक्वायर्स फिजिकल एग्जामिंग कंबाइंड विद मेडिकल इमेजिंग टेक्निक वाइल डैमेज एयरवे do not degrade and there is a cure. Emphysema is preventable and the condition can be managed using medication and adjustment to lifestyle. Thank you everyone. It's a complete topic of emphysema. Good morning students. Next topic is atelectasis. Atelectasis is the collapse of cold, airless condition of the lung with incomplete expansion. यानी दो लंग जो वॉल पार्ट होता है लंग्स का वे फेल्स टू एक्सपेंड हो जाता है. इट कैन बी लोबर एंड लोबुलर जिसको बोलते हैं एटीलेक्टेसिस. इट इज द फाउंड ये वहाँ पाए जाते हैं जैसे कॉन्जेनाइटल और प्राइमरी एटीलेक्सिस, रिक्वायर्ड और सेकेंडरी एटीलेक्सिस. कॉन्जेनाइटल एटीलेक्सिस कॉमन प्रीटर्म एंड लो बर्थ बेबी. इंट्रोडक्शन. एटीलेक्सिस डिफाइंड एज ए कोलैप्स और कोलेजर ऑफ द लंग रिजल्टिंग द रिड्यूस और एब्सेंट गैस एक्सचेंज. इट मे बी एफिक पार्ट ऑफ द ऑल ऑफ लंग. एटीलेक्सिस इज द कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई और लंग टिश्यू. इट डेवलप्स व्हेन द एल्वोलाई बिकम्स एयरलेस फ्रॉम एब्जॉर्प्शन देयर विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ द एयर विद ब्रीथिंग एयरवे ब्रीथिंग लंग्स कंटिन्यू. एटीलेक्सिस मे बी एक्यूट क्रोनिक. द मोस्ट कॉमनली डिस्क्राइब एटीलेक्सिस एक्यूट एटीलेक्सिस विच अकर फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव सीटिंग और इन द पीपल हु आर इम्यूलाइज एंड वी हैव ए शैलो माउंटेनस ब्रीथिंग पैटर्न. इटोलॉजी ऑपरेशन और एयरवे डेमिस्ट डिस्टेंशन ऑफ एल्वेलाई कंटिन्यू. एयरवे फॉरन बॉडी एस्टिंग कंप्रेशन ऑन एयरवे एग्जाम्पल कंप्रेशन ड्यू टू एन एनर्जमेंट और एब्रियंट वेसल्स एलर्जमेंट लिव नोट्स दैट कंप्रेस द एयरवे मैसेज इन द चेस्ट दैट कंप्रेस द एयरवे ऑफ और एल्वेलाई कार्डियोमेगेली और एलर्जमेंट पुलमोनरी वेसल्स दैट कंप्रेस एडजेसेंट एयरवे. Etiology of atelectasis: alternate breathing patterns, retained secretions, pain, alterations in small airway functions, atelectasia and sedations, increased abdominal pressure, reduced lung volumes due to musculoskeletal severe scoliosis and neurological disorder, pain from upper abdominal surgery. Continued restrictive defects with specific surgical procedures, example upper abdominal थोरेसिक और ओपन हार्ट सर्जरी. परसिस्टेंट लो लंग वॉल्यूम्स सिक्रेशन और मास ऑब्स्ट्रक्शन और इम्बेडिंग एयर फ्लो और कंप्रेशन ऑफ लंग टिश्यू. ब्रोंकियोस्पाज एयरवे सिक्रेशन एंड एयरवे इन्फ्लामेशन इन पेशेंट विद अस्थमा. एबनॉर्मल एयरवे सिक्रेशन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस. एबनॉर्मल एयरवे क्लियरेंस सच एज द विद सिलियरी डिस्किनेसिया सिंड्रोम. एयरवे फॉरेन बॉडी एक्सटेंशन प्रेशन ऑफ द लंग टिश्यू. प्लूरिफोन इन्फ्यूजन न्यूमोथोरेक्स हीमोथोरेक्स. ट्यूमर ग्रोथ विद इन द थोरेक्स और एन एलिवेटेड डायफ्राम. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एटीलेक्सिस रिड्यूस एल्वोलर वेंटिलेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेज इम्पेड्स द पैसेज ऑफ एयर. द ट्रैप्ड एल्वोलर वे कम्स ऑब्स्ट्रक्ट इन टू द ब्लड स्ट्रीम बट आउटसाइड एयर कैन नॉट रिप्लेस द ऑब्जर्व एयर बिकॉज द ब्लॉकेज. आइसोलेटेड पोर्शन ऑफ द लंग बिकम्स एयरलेस द एल्वोलाई कोलैप्स. Next, excessive pressure in the lung tissue restrict normal lung expansion. Infection becomes airless of the prolonged period alveolar collapse. Sign and symptom of the atelectasis: cough, sputum production, low grade fever, marked right-field distress, dyspnea, tachycardia, tachypnea, pleural pain, on central sinusitis, difficulty breathing in the spinal position, anxiety. Assessment and diagnosis finding: chest X-ray, pulse oximeter less than 90% or PSA2. Physical examination: decreased breath sound of cracks are heart and the affected area.
दिस कंडीशन प्रिवेंशन ऑफ द टिलैक्टेसिस फ्रीक्वेंसी टर्निंग अर्ली मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेज ऑफ द एक्सपेंड ऑफ द लंग एंड टू मैनेज सीक्रेशन डीप ब्रीथिंग फिनिश द लास्ट टू एवरी हॉर्स यूज द स्पायरोमीटर यूज द इंसेंटिव स्पायरोमीटर एंड वॉलेंट्री डीप ब्रीथिंग डायरेक्ट कफ सेंसकनिंग एरोसोल मोबिलाइजर ट्रीटमेंट फॉलोड बाई चेस्ट फिजिकल थेरेपी पोस्चुरल ड्रेनेज एंड चेस्ट परक्यूशन ऑन ब्रोंकियोस्कोपी चेंज पेशेंट पोजिशन फ्रीक्वेंटली स्पेशली द स्पाइन पोजिशन द अपराइट पोजिशन टू प्रमोट वेंटिलेशन एंड प्रिवेंट सीक्रेशन फ्रॉम एक्मुलेशन इनकरेज अर्ली मोबिलाइजेशन फ्रॉम द बेड चेयर फॉलोड बाई अर्ली मोबिलाइजेशन इनकरेज अप्रोसिएट डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग द मोबिलाइज सीक्रेशन प्रिवेंट दैम फ्रॉम एक्मुलेशन एडमिशन प्रिस्क्राइब ओपिओइड्स एंड सेडेटिव्स जुडिशियसली प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिफ्रेस परफॉर्म्ड पोस्चुरल ड्रेनेज एंड चेस्ट परक्यूशन एंड इफ इंडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल सेकेंडेशन द रिमूव टेक्यू ब्रोंकियल सीक्रेशन इफ इंडिकेटेड मैनेजमेंट ऑफ द एटिलैक्सिस द गोल ऑफ ट्रीटिंग बाय एटिलैक्सिस इंप्रूव वेंटिलेशन एंड रिमूव सीक्रेशन द पेशेंट विद द रिस्पॉन्स द परफॉर्म ब्रीथिंग अदर ट्रीटमेंट पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रिफरेंस पीएपी If the cause of atelectasis is bronchial obstruction of secretion, secretion must be removed, cuffing, suctioning, and permit air to enter that portion of lung. Social concern nursing invitation should be included होता है इसमें जिसे continuous assessment होता है respiratory function है pulmonary oximeter है ABG analysis है intestinal spirometry है intermediate positive pressure है and जो उसमें adequate fluid intake है air के लिए air supply जो है चेस्ट फिजिकल थेरेपी परक्यूशन एंड पोस्चर ड्रेनेज नेबुलाइजर ट्रीटमेंट विद ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन सोडियम बाइकार्बोनेट मे बी यूज असिस्ट टू पेशेंट एक्सपेक्ट्रेशन ऑफ सीक्रेशन इफ रेस्पिरेटरी केयर ऑफ मेजर्स फेल टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन ब्रोंकियोस्कोपी इन द परफॉर्म एंडोट्रेकियल इनक्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन मे बी नेसेसरी टू रेस्पिरेटरी फेलियर थोरोसिंथेसिस रिमूवल ऑफ द फ्लूइड बाय नीडल एस्पिरेट और इंसर्शन ऑफ द चेस्ट ट्यूब कॉज बाय कंप्रेशन ब्रोंकियोस्कोपी नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ द एटिलैक्सिस इनएफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू कोलैप्स ऑफ लंग टिश्यू एक्टिविटी इंटॉलरेंस थैंक यू एवरीवन